हाय एवरीवन। सो हम जब किसी ब्रांड के साथ काम करते हैं ना, तो ब्रांड की टीम को हमारी आइडियोलॉजी अडैप्ट करने में हमने देखा है मोटा मोटा 2 से 3 महीने लगता है। व्हाट इज़ आवर आइडियोलॉजी? सो वी ट्रैक 30 डेटा पॉइंट्स फॉर एवरी प्रोडक्ट एंड देन बेसिस दैट ट्रैकिंग वी टेक सर्टेन मेजर्स एंड स्टेप्स, जिसकी वजह से रैंक वन आता है कोई भी ब्रांड अपनी कैटेगरी में रफली 90 डेज के अंदर अंदर। दिस इज़ अ प्रॉमिस, इज व्हाट वी हैव डिलीवर्ड एंड अ लॉट ऑफ कस्टमर्स आर वेरी हैप्पी विद आवर पास्ट परफॉर्मेंस। बट जो ब्रांड टीम होती है ऑलरेडी जो उस पर काम कर रही होती है, उन्होंने भी कुछ अच्छे अच्छे काम किए होते हैं, बट समहाउ दे आर नॉट रैंक वन इन देयर कैटेगरी एंड व्हेन वी कम इन टू पिक्चर वी गाइड देम, वी हेल्प देम, वी एक्सप्लोर अदर इंटरप्रिटेशन, बिकॉज हम 30 डेटा पॉइंट रोज ट्रैक कर रहे हैं। सम ऑफ द डेटा पॉइंट्स गेट ट्रैक्ड मल्टीपल टाइम्स अ डे। मतलब अगर मैं आपको बताऊँ तो सेल्स रैंक करके एक चीज़ होती है, हर प्रोडक्ट की अमेजोन सेल्स की रैंक देता है, हम उसको दिन में 6-6 बार ट्रैक करते हैं अपने प्रोडक्ट की भी और अपने कंपटीटर की भी, कि क्या मूवमेंट हो रही है, किसकी सेल ज़्यादा हो रही है, किसकी सेल कम हो रही है। दिस जस्ट वन एग्जाम्पल, आई विल शेयर सम फोटोग्राफ्स एज वेल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। एंड ये एक हो गया ईडी ट्रैकिंग हो गई, प्राइस ट्रैकिंग हो गई, 32-30 डिमांड एनालिसिस हो गई, रियल टाइम सेल्स का क्या चल रहा है वो हो गई, आर्ली सेल्स ट्रेंड हो गई, उसके बेसिस पे एडवर्टाइजमेंट कैसे करना है। मतलब मैं आपको डेटा पॉइंट्स आई कैन एनलिस्ट। इतनी स्ट्रॉन्ग ट्रैकिंग की वजह से ही हम लोग डिलीवरी कर पाते हैं, परफॉर्मेंस दे पाते हैं, रैंक वन ला पाते हैं। बट ये ब्रांड की टीम हमसे पहले नहीं कर रही थी या नहीं कर पा रही थी समय, बिकॉज दे डिड नॉट हैव दीज टूल्स। इवन इफ दे हैड सम ऑफ दीज टूल्स, दे डिड नॉट हैव द एंटायर अंडरस्टैंडिंग कि इसका इम्पैक्ट क्या है। तो वी डू दैट एंड उनको समझा पाना कि यार हम ये इतनी इंटेंसिटी से क्यों कर रहे हैं, वाई इज दिस फ्रिक्वेंसी नीडेड, वाई इट शुड बी वेरी सिंपल थिंग, MFN में क्यों नहीं होना चाहिए, FBA में होना चाहिए या क्यों वेयरहाउस में होना चाहिए। मतलब ये बेसिक्स भी हमें एक्सप्लेन करने पड़ते हैं, विच इज़ फाइन, वी कैन अंडरस्टैंड, वी हैव टू गिव देम नंबर्स की क्यों और क्या इम्पैक्ट आएगा अगर आप हमारी बात सुनोगे तो। बट ये हमने ऑब्जर्व किया है वो 2 से 3 महीने लगता ही लगता है उस पूरी SOP को ढालने में, या एक ये कहो कि उस ब्रांड को सॉर्ट ऑफ ट्रस्ट आता है हमारे पे, और वो ट्रस्ट सिर्फ एक कारण से आता है, व्हेन दे सी एटलीस्ट एक कैटेगरी में और मैजिक, व्हेन दे सी व्हाट वी आर सेइंग उसकी वजह से सेल बढ़ी एंड दे डिड कम क्लोजर टू रैंक वन। देन ग्रेजुअली द एंटायर टीम इंक्लूडिंग फाउंडर्स, इंक्लूडिंग सीनियर मैनेजमेंट, इंक्लूडिंग पीपल हु आर डे टू डे ऑपरेटर्स, दे स्टार्ट ट्रस्टिंग अस मोर एंड आई बीन डूइंग दिस फॉर ऑलमोस्ट 5 years, 5 साल से यही गुजारे हैं, यही दिन रात ब्रांड्स के साथ उठना बैठना है, अप्रिहेंशंस को एड्रेस करना है, सिंक में लेके आना है, देन डिप्लॉय करना है। तो वी आर प्रिटी वेल वर्स्ड एंड वी हैव आवर ओन SOP जो काम करती है, बट इट्स जस्ट दैट कि इट्स टफ इवन आफ्टर हैविंग डन 10, 20, 30, 40 times व्हाटएवर विद डिफरेंट ब्रांड्स, हमारे को टाइम लगता है अगली पार्टी को समझाने में और अपने सिंक में लाने में। आई होप दीज videos and content that I'm sharing, it will help brand's team to understand क्या करना चाह रहे हैं हम और क्यों करना चाह रहे हैं हम। हमारा थोड़ा effort, थोड़ा ज़िंदगी आसान होगी and I will be able to share a lot of knowledge with the world and especially brand's की team। Take care.